आज हम नवम कक्षा आया व्याकरण विधि के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह पढ़ेंगे हम व्याकरण। और व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, चलिए आइए। आज बेटा हम पढ़ेंगे यहाँ पर उपसर्ग, ठीक है, ये षष्ठ अध्याय है। इसके पहले मैंने और भी आप लोगों को जो व्याकरण पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से उसके जो प्रश्न उत्तर होते हैं, उपसर्ग के जो उदाहरण होते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना। धातु रूप तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से प्रयुक्त होकर उसके अर्थ का परिवर्तन करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्गेण भावत्वार्थो बलादन्यत्र नियते प्रहार राहार संहार विहार परिहार वत। क्या दिया, प्रहार राहार संहार विहार परिहार वत, ये दिया हुआ। उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। हार शब्द का अर्थ है माला, परंतु जब उसमें प्रा लगता है तो जब उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता क्या है, प्रहा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ क्या है, बदल जाता है। जैसे हार शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर, माला, परंतु जब उसमें क्या लग क्या जुड़ गया, प्रा, तो क्या बन गया, हार था, प्रा जुड़ गया, प्रहार। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, पहले लगाए जाते हैं शब्दों के, और उसका अर्थ होता है मारना। एक हार का अर्थ होता है माला, लेकिन जैसे ही हमने उसमें उपसर्ग जोड़ा, प्रा जोड़ा, तो क्या बन गया, मारना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने का आहार बनता है जिसका अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार हार शब्द में यदि सम उपसर्ग जुड़ता है तो संहार हो जाता है, शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में भी उपसर्ग लगने पर क्या बनता है, बिहार शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना, बिहार करना यानी घूमना फिरना। इसी तरह परि उपसर्ग जोड़कर क्या बन जाता है, परिहार शब्द बनता है जिसका अर्थ क्या होता है, सुधार करना, त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। देखिए जैसे यहाँ पर दिया कि जो उपसर्ग होते हैं, सबसे पहले तो ये आप लोगों को मालूम है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर आपको उदाहरण समझाया कि एक शब्द है हार, ठीक है। अब हार शब्द का मतलब जैसे यहाँ पर समझाया गया है आपको, उसका अर्थ होता है माला, ठीक है। अब उसमें यदि हम उपसर्ग जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे, प्रा, तो क्या बन गया, प्रहार, जिसका अर्थ ही बदल जाएगा, क्या अर्थ बन गया उसका, प्रहार, प्रहार माने मारना। इसी प्रकार और भी शब्दों के यहाँ पर क्या दिए हैं, उदाहरण दिए हैं। दूसरी बात यह है कि जो उपसर्ग होते हैं, ठीक है ना, जैसे प्रा उपसर्ग है, तो प्रा जो उपसर्ग है उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन जैसे ही वो शब्द में जुड़ता है उसका पूरा अर्थ बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सहार शब्द बना है, ठीक है, फिर इसी प्रकार विहार शब्द बना है, यहाँ परिहार शब्द बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सुधार कार्य करना। तो अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन, अलग अलग उपसर्ग के जुड़ने से, कहीं वी जुड़ा है, कहीं परि जुड़ा है ना, कहीं प्रा जुड़ा है, इस प्रकार के जो शब्द हैं जब वो किसी उसमें जुड़ते हैं, शब्दों में जुड़ते हैं, तो वो अलग अलग उसमें उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग भी होता, उपसर्गों का स्वतंत्र यानी केवल उपसर्ग अकेले का प्रयोग कहीं पर नहीं होता है, वो शब्दों के साथ जुड़कर बनते हैं। इस प्रकार मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ उपसर्ग। उपसर्ग माने जो शब्दों के कहाँ लगाए जाते हैं, आगे लगाए जाते हैं। अब देखिए उपसर्ग प्रयोग है शब्द निर्माण, हमें उपसर्ग का हम जो प्रयोग कर रहे हैं तो उसका कैसे शब्द निर्माण बनता है। जैसे आता है यहाँ पर प्र, प्रा माने प्रवृत्ति, प्रकर्ष, प्रयत्न, प्रतिष्ठा, प्रा से जुड़े हैं, देख रहे हैं आप, प्रा 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 प्रवृत्ति, प्रकर्ष, प्रयत्न और प्रतिष्ठा। आप एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग, ठीक है ना, आप जैसे ये आते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई वाक्य दिया जा सकता है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए आया कि एकस्य पदस्य इस प्रा का प्रयोग करना है या प्रवृत्ति या प्रकर्ष,
परा, तो यहाँ पर क्या पराजयते परा भवति, क्या आएगा यहाँ पर सैनिका शत्रुन पराजयते। तो ये जो शब्द है परा, ये है उपसर्ग, परा उपसर्ग है, यहाँ पर ये प्रयोग हुआ है, पराजयते या पराभक्ति कुछ भी, तो यहाँ पर हमने पराजयते का प्रयोग यहाँ पर किया है। तीसरा है अप, ये भी उपसर्ग है, अपहरति अपकरोति, चोरः धनं अपहरति, जो चोर होता है वो क्या क्या किस चीज को चुराया, उसने धन का अपहरण किया, ठीक है, धन को चुराया, तो इस प्रकार से ये शब्द बना। फिर आता है उपसर्ग सं, तो संस्करोति संगच्छते, संगति है ना, अच्छे संस्कार, अध्यापक छात्रं संस्करोति, अच्छे जो अध्यापक होते हैं अच्छे, मतलब छात्र जो छात्र होते हैं उनमें अच्छे संस्कारों को मतलब बनाते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं। इसी प्रकार ये जो हम पढ़ रहे हैं, जितने आगे देख रहे हैं, जैसे पांचवा यहाँ पर हम देखेंगे, पहले हमने चौथा देखा, अनुगच्छति अनुकरोति, शिष्य गुरु अनुगच्छति, फिर अब ये भी उपसर्ग है, अवगच्छति अवतरति, रामा भवन्तः अवगच्छति अवजानाति वा। इस प्रकार आप देख रहे हैं प्रा परा आप सम अनु अव, ये सब चीजें क्या है उपसर्ग, क्या है उपसर्ग, और एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग है, ये सब जो हमने ये पढ़े और इसके ये जो शब्द पढ़े इनके क्या अर्थ है यहाँ पर, ये सब शब्दों के वाक्य बने, ठीक है, तो उसमें ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, तो बस इस क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता। मान लीजिए आपको उन्होंने दे दिया प्रभावती, बताइए इसमें उपसर्ग क्या है, आप बताएंगे कि यहाँ पर प्रा उपसर्ग है, पराजयते एक शब्द आया, इसमें पूछा गया पराजयते में उपसर्ग क्या है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर परा है, अपहरति या अपकरोति कोई भी शब्द आया कि आप उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताएंगे कि उसमें अप उपसर्ग है। इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। इसके बाद है निर, तो निर्गच्छति निराकरोति, ठीक है, क्या है निर्गच्छति निराकरोति, तो प्राचार्य कार्यालयात् निर्गच्छति। फिर आएगा निस, निस्कारणं निस्सरति, सर्पः बिलाद् निस्सरति, सर्पः बिलाद् निस्सरति, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा दुष्ट, तो दुस्त्याज्य दुष्प्रयोजनम स्वभाव दुस्त्याज्य भवति, ठीक है। फिर यहाँ पर आया दुर, दुर्बोध्य दुर्लभ, अयम गुण विषय दुर्बोध्य अस्ति। फिर है उपसर्ग वी, विजयति विहरति, धर्म सदा विजयते, धर्म की हमेशा क्या होती है, जय होती है, विजय होती है। अंग आकंठम आजीवनम, आकंठम जलम पितम, इस प्रकार से ये जो है शब्द बनते हैं। फिर दिया है नी, निदति निपतति, पुत्र पितरम निदति, अधि अधिराजते या अधिशेषित कोई भी शब्द आ सकते, ये जो मैं पढ़ा रही हूं नी अधि अति सु, तो ये सब क्या है उपसर्ग, ये शब्द भी आपको दिए जा सकते हैं जिनके आपको वाक्य बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। फिर विद्वान सर्वत अधिराजते, अति अति वाद अत्याचार, अति वादो न कर्तव्य, सु सु पुत्रे सु शोभते, उद्याने पुष्पाणि शोभन्ते। फिर है उत उड्यते उत्पत्ति, पक्षिण आकाशे उड्यन्ते, पक्षी जो है कहाँ उड़ते हैं आकाश। इसके बाद है अभी, अभी गच्छति अभ्यागतः, अभ्यागतः सर्वः सदा पूजनीय। फिर है प्रति, अभी हम देखिए उपसर्ग कौन कौन से, अभी प्रति परि उप और अपि, प्रत्युपकार प्रत्यवदत, पुत्री मात्रम प्रत्यवदत, परि परित्यज्यामि परिवर्तनम, अहम दुष्टम परित्यज्यामि, अध्यय
ज्ञानार्थं गुरु उपगच्छति। अब यहाँ अपि अपि दधाति, तो द्वारपाला द्वारम अपि दधाति, ठीक है, इस प्रकार से ये बनेंगे। अब किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से आप परिवर्तन जाता है, जैसे गम है होता है जाना, आधन गम धम आगच्छति है ना, उपधन गम धन उपगच्छति यानी पास आना, अनुधन गम अनुगच्छति यानी पीछे जाना, अवधन गम अवगच्छति यानी समझा समझना। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है, जब हमें किसी उपसर्ग युक्त धातु का बाद में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु रूप के समान प्रयोग में ही पद निर्माण करने के पश्चात पर निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए, जैसे लकार धातु रूप और उपसर्ग प्लस धातु रूप, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लट गम गच्छति अनुगच्छति, फिर लृट गमिष्यति अनुगमिष्यति, लंग अगच्छत अनुगत आगच्छत अनुगच्छत। यहाँ पर ये बताया जो लकार है ना, लकार ये धातु रूप है, मीवा मा सीता तीता हंती, ठीक है, ये उपसर्ग धातु रूप है। तो जब भी ये लगेंगे तो जैसे अनुगच्छति लृट में लगा तो श लगता है भविष्य काल के लिए, तो यहाँ पर अनुगमिष्यति, ये भूतकाल के लिए तो अनुगच्छत है ना, अगच्छत अनुगच्छत, इस प्रकार से लोयण संधि के अंतर्गत लोट गच्छतु अनुगच्छतु, इसी प्रकार विधि लिंग में तो गच्छे अनुगच्छे की प्रत्यय लग के बने हुए। आधुनिक उपदेश उपसर्गान धातु प्रत्यय अलग अलग इसमें से करना, देखिए इसमें उत्तिष्ठतु निर्गच्छन निस्तरतु संवदन्ति प्रत्यवदत सुशोभते विशिष्यते अन्वकरोत है ना, प्रसिदामि अवगच्छत उपविशामा उत्यास्यामा उन्ननया उन्ननयम है ना, आप अपाकुर्वन विजयते अपरितुष्यत, ये शब्द दिए, ठीक है, क्या दिए हैं, ये शब्द दिए हैं। आप इसके देखिए आपको यहाँ पर उत्तर दिए, जैसे कि ये तो ये दिया है उपसर्ग, ये दिया है धातु, ठीक है, ये दिया है क्रिया पद, तो पहले का क्या आएगा, उत धन स्था तो तिष्ठतु, फिर निर्धन गम दिए तो अगच्छत, निस्धन श्र धातु तो सरतु, फिर समधन वद तो अवद, फिर प्रति तो यह है वद धातु है अवद आएगा, उपसर्ग सु तो शुभ तो शोभा भरी, बी तो शिष शिष्यते अनु क्र धातु अकरो, फिर प्रा सद सिदामी, ठीक है, अव गम अगच्छत ओ विश विषामः, ये सब उपसर्ग है, जितने भी जो आपको यहाँ पढ़ा रहे ये उसमें धातु है और ये उसके पद बने हुए, तो स्था स्था श्यामम उत नी नयनम अक्र अकुर्वन, ठीक है ना, पे बी जी जयते, तो इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, यहाँ पर जैसे हमने जयते बताया तो यहाँ पर फिर आएगा परी तुष और तुष्य, ठीक है, इस प्रकार से उसके जो आंसर है इसमें आएंगे। फिर है कोष्टका शुद्ध पदम चित्वा रिक्त स्थाने लिखा, तो ये देखिए दिए हुए हैं पूरे इसमें क्या क्या दिए हैं, हे प्रभु मई है ना, तो ये अलग अलग इसमें क्या दिए पूरे गुरु शिष्य अज्ञान तो क्या आएगा, बाधा जाना अहम संस्कृतम खालिस्थान सत्यमेव अधिनियम अध्यापक प्रश्न प्रक्षति है ना, फिर कामार क्रोध, ठीक है, इस प्रकार से सभायां विध्वंस क्या आएगा, चोरा रात्रम धनम माता पुत्र च परस्परम गुरु आश्रम आसमात नागरिका एव स्वदेशम वयम चलचित्रम दुष्टम आत क्या आएगा, अवगच्छामः आएगा या अवगच्छामः आएगा, फिर माता पुत्रम, ठीक है ना, तो अवगच्छाम या अवगच्छा, अब देखिए इसमें इसके देखिए आंसर दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा पहले में क्या आएगा प्रसिद्धतु, दूसरे में जो दिया है अपहरति, तीसरे में क्या आएगा अनुकुर्वंती, ठीक है, चौथे में अवजानामी, फिर आजीवनम प्रतिबदंती उद्भवती शोभते अहरत संवदता निर्गच्छति उन्नयन्ति है ना आगच्छामः और संस्करोति, इस प्रकार से ये आपको
पढ़ाए समझाए आपको, इनके जो उदाहरण है और उपसर्ग जितने भी प्रकार के यहाँ पर उपसर्ग दिए हैं आपको, उनको सबके वाक्यों को पढ़ना है, उपसर्ग में किस प्रकार से उदाहरण जो दिए उनको पढ़ना है प्रश्न उत्तरों के रूप में भी, और आप बहुत अच्छे से उनको याद कर लें। और घर पर बेटा आप बहुत रजिस्टर अपना जो बना रहे हैं, जो भी कॉपी आपने बनाई उसमें लिखते जाइए बहुत अच्छे से, ठीक है, और याद करिए बेटा, परीक्षा की अच्छी तैयारी करिए। धन्यवाद।